आणि आता वळूयात आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचार धुमाळींच्या हालचालींच्या आढाव्याकडे. लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या विशेष मुलाखतींचा खास कार्यक्रम मिशन लोकसभा पहा फक्त आमच्या टाइम टीव्ही महाराष्ट्रवर. आज मिशन लोकसभा मध्ये आपण बघणार आहोत काँग्रेसचे उत्तर मुंबईचे लोकसभेच्या उमेदवार प्रिया दत्त यांची आमचे टाइम टीव्हीचे मुंबईचे ब्युरो चीफ संतोष सिंग यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत. मैं जैसा कि ये पहाड़ी क्षेत्र आपके पिताजी का था, यहाँ पर उनका बहुत योगदान रहा है और यहाँ की जनता ने उनकी छवि को देखते हुए आपको कई बार यहाँ पर मौका दिया, तो अभी आप कितना काम कर पाते हैं उन कामों में? देखिए, मैं अपने काम से खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम पर. और जैसे मैंने आपने बहुत सही कहा कि जो पहली इलेक्शन में लड़ी थी वो मेरे पिताजी की इलेक्शन थी. उस समय मुझे लोगों ने बिल्कुल जिताया, मेरे पिताजी को जिताया. और फिर उसके साथ जो कुछ भी मैंने देखा कि जिस तरह से मेरे पिताजी का रिलेशनशिप रहा है उनके वोटर्स के साथ, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, वो सिर्फ एक नेता और लोगों का नहीं था, वो एक पारिवारिक संबंध बन चुका था. और तो मैं उनकी जो लेगेसी रही है, उनकी जो छवि रही है, हमेशा मेरे साथ रही है. लेकिन मुझ पर उतना ही एक मैं समझती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि लोग, मैं समझती हूँ कि कोई इतने बेवकूफ तो है नहीं. पहली बार अगर मेरे पिताजी की छवि की वजह से मुझे वोट मिला, मैं पूरे ही सहमत हूँ उसमें. लेकिन फिर लोग किसी को दूसरा चांस देते नहीं है अगर आप काम ना करें. और दूसरी बार जब मैं जीत कर आई, मैं और भी मार्जिन से जीत कर आई और लोगों ने मेरा काम देखा. उन्हें हम एक बार जीत सकते हैं बिना काम के, क्योंकि आपके साथ आपके फैमिली का नाम है, आपके साथ आपके पिताजी का काम है. लेकिन फिर लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके काम को देखते हैं. अच्छा है क्योंकि मेरे काम के बारे में बात होती है कि अगर कोई मेरे खिलाफ कैंडिडेट रखना नहीं चाहता उसका भी कुछ रीजन होगा. वो मेरे पिताजी की वजह से तो पहले ही रख रहा है. जी, मैं अभी कभी मेरे अपोजिशन को या विपक्ष को मैंने कभी देखा नहीं. मैं जानती हूँ कि जब इलेक्शन लड़ना होता है अपोजिशन होगा ही, विपक्ष होगा ही, लेकिन आपको अपने काम से काम रखना है, अपने अपने काम को प्रोजेक्ट करना है और आपका जो रिलेशनशिप लोगों के साथ है उसमें फोकस करना है. मैं यहाँ रहती हूँ, पहली बड़ी उधर हूँ, मेरा रिलेशनशिप मेरे लोगों के साथ एक पारिवारिक जैसे संबंध बना है और मैं उनके बीच रहकर काम करती हूँ. जी पता नहीं, ये डिपेंड करता है. मैं कभी इस तरह के नंबर क्रंचिंग और कौन किसका वोट काटता है, कौन खड़े होते किसका वोट काटता है, मैं इस चीज़ों पर जाती नहीं हूँ. मैं हमेशा देखती हूँ कि मैं क्या काम कर सकती हूँ और मैं किस तरह से अपने लोगों तक लोगों के बीच जाती हूँ. मैं विचार नहीं प्रकट करना चाहती हूँ उस पर. मैं समझती हूँ कि हम सब एक पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को चुना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक दूरदृष्टि यही है इस देश के लिए. उनकी जो आइडियोलॉजी है एक इंक्लूसिव ग्रोथ की आइडियोलॉजी है, वो मेरे साथ बिल्कुल मिलते हैं. मैं किसी दूसरे पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे में देश बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है और उसे एक एक विचारधारा आगे लेकर जा सकती है. ये कैंडिडेट हम कभी घोषित नहीं करते. आई थिंक वो बहुत क्लियर हो चुका है और बहुत बार आई थिंक ये इश्यू आया है सामने. और हमने हमेशा कहा है कि हम जब पार्टी जीतती है, जब हमारे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, वो फिर पीएम चुनते हैं.
साल है और उसपे कोई पाबंदी डालना मैं नहीं समझती ठीक रहेगा, बिकॉज हर सबके जो इंडिविजुअल ख्याल होता है वो बेहद राइट टू एड्रेस देखिए। जब वो हमारे अलायंस हैं, हम इस इलेक्शन सीट साथ में लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए जीतना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनके लिए। तो आई थिंक इसमें ऐसे कोई अनबनी बिल्कुल हमारे बीच होंगे नहीं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर आप डेवलपमेंट देखें इस क्षेत्र में, और आप जो ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हो, तो जितना डेवलपमेंट इस 10 सालों में इस क्षेत्र में हुआ है शायद कहीं हुआ है। अगर आप एलिवेटेड सहार रोड के बारे में बात करें, मिलन स्काई मिलन फ्लाईओवर के बारे में बात करें, अभी SCLR जो अप्रैल में शुरू होगा, ये तीनों चीज़ें आई थिंक बहुत डीकंजेस्ट करेंगी ट्रैफिक, स्पेशली SCLR जो बिल्कुल जाके उतरती है LTT स्टेशन पर ही, और मेट्रो रेल की बात करें या मेट्रो रेल की बात, ये सब जो इश्यूज हमने लिए हैं मुंबई के लिए, वो बेसिकली कम्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है मुंबई कर्स के लिए हुआ है। आपको ये हम तो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत पार्टियों को ये प्रॉब्लम है कि पहला दिन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई हमारे लोगों को अपनी सीट भी घबानी पड़ेगी। तो उसमें आई थिंक बहुत सारे ऑपोजिशन है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे और ये बहुत जल्द से जल्द मैं समझती हूँ पारित भी होगा।